हमारी कास्ट सीरीज मार्केट आउटलुक में आप सबका स्वागत है और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल संजीव अग्रवाल साहब, फाउंडर और सीईओ अल्फा क्वांटम कैपिटल मैनेजमेंट के शामिल हो रहे हैं हमारे साथ इस वक्त दुबई से। बहुत बहुत स्वागत है संजीव सर आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। पूरा महीना आपका भी जी सर, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको। सर पूरा अगस्त का महीना टाइम पास हुआ है, कुछ हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन हुआ है, टाइम करेक्शन भी हुआ है, ये बताएं सर अब कैसा दिख रहा है बाजार, क्या कुछ करेक्शन यहाँ से और गहरा हो सकता है, नीचे की डाउनसाइड खुल रही है या रिकवरी के आसार हैं, सितंबर का महीना किस तरह का रह सकता है बाजार के लिए और निफ्टी पर क्या व्यू है? देखिए लास्ट टाइम मैं जब 15 जुलाई को आपके स्टूडियो में आया था, मैंने बताया था ये प्री इलेक्शन ईयर है यूएस का और उसमें मिड जुलाई के बाद एक बड़ा करेक्शन था, तो ये करीब 19 जुलाई को हमारा मार्केट पीक आउट कर गया था और उसके बाद एक करेक्शन दिया है और अभी बिल्कुल सही लेवल से इसने बाउंस बैक किया है। इसने 19228 का जो लो बनाया है उसी के आसपास इसका सपोर्ट है, तो यहाँ से मेरे को तेजी लगती है। यूएस मार्केट ने भी अपना पूरा करेक्शन ले लिया, टाइम वाइज भी प्राइस वाइज भी एक्चुअली हमने दिया था, तो अब ये लगता है कि पूरा मार्केट यहाँ पे एक तो अच्छे ढंग से है। अब केवल एक लेवल बचा है, निफ्टी को बंद होने की जरूरत है 19575 के ऊपर, 19575 उसके ऊपर जाते ही ये मार्केट का कंफर्मेशन हो जाएगा कि जितना भी डाउनसाइड था वो हो चुका है और बाय सिग्नल इमर्ज होगा और 20 से 21 हजार के आसपास ही जाएगा। ये 19 से 21 हजार का टारगेट मैंने दिया था मार्च में जब मार्केट बॉटम्स पे था, तो अब पहला टारगेट तो हिट हो चुका है, दूसरा टारगेट बाकी है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अभी जो 2-3 दिन पहले हाई बना था 44950 उसके ऊपर बंद होते ही क्रॉस होने के बाद बैंक निफ्टी में एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि अब जितना भी नेगेटिव इसने करेक्शन लेना था हो गया है और वी हैव स्टार्ट रिज्यूम द अप ट्रेंड और इसका टारगेट मेरे ख्याल से 47,000 से लेके 50,000 के बीच में कहीं बैठता है। तो मेरे हिसाब से जितने भी अभी डाउन साइड है, अगर निफ्टी 19300 के आसपास आता है तब बाय करना चाहिए या 19575 के ऊपर बंद होता है तब बाय करना चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी अगर 44,000 के आसपास आता है तब बाय करना चाहिए या फिर 44950 यानी 45,000 के ऊपर जाता है तो बाय। तो 19575 के ऊपर बंद होने के बाद निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट होगा और बैंक निफ्टी में 45,000 के ऊपर निकलने पर अगर ऐसा हो जाए फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया, दिसंबर तक बढ़िया तेजी की आप उम्मीद कर भी रहे। फर्ज करें किसी भी रीजन से अगर ऐसा ना हो तो कौन से लेवल्स हैं जो ध्यान में रखने स्टॉप लॉसेस के लिहाज से, या किन लेवल्स के नीचे जाने पर थोड़ी रिस्क बढ़ जाएगी और कितनी? देखिए वैसे 19200 के नीचे जाने पे निफ्टी में वीकनेस आ जाती है मगर हम स्टॉप लॉस 19150 का क्लोजिंग बेसिस पे रखते हैं और दूसरा बैंक निफ्टी में अगर देखें तो इसका स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे आता है, 42750 आता है बट सेफ्टी के हिसाब से हम 43345 यानी 43345 के नीचे क्लोजिंग होने पे वी शुड एग्जिट आवर लॉन्ग पोजीशन। तो चलिए 43300 43300 थोड़ा दूर है लेकिन स्टॉप लॉस यही रखें आप बैंक निफ्टी में और 19150 का स्टॉप लॉस रखें निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पे, परफेक्ट। ये तो बात हुई भारतीय बाजारों की, लेकिन अमेरिकी बाजार पिछले 3 दिनों से अच्छी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सर, वहां का आउटलुक बताएं, वहां पे क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं आप? देखिए बैंक ये S&P जो है ये पिछले अक्टूबर में जब बॉटम बनाया था हम तब से बुलिश हैं और मैंने लास्ट इंटरव्यू में कहा भी था कि ये यूएस मार्केट 15 जुलाई के आसपास ही पीक आउट होता है, इसने नैसडेक ने 19 जुलाई के आसपास हाई बनाई थी और वहां से अच्छा करेक्शन थी और S&P ने तो अगर देखें इसका जो लास्ट रैली थी जो एक्चुअली बुल ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो 31 मई की बॉटम से स्टार्ट हुआ 41,066 और इसने हाई बनाया था 4607 का, तो अगर आप इसका करेक्शन देखेंगे 61.8 जो आता है वो 4.58 आता है उसके जस्ट 1 पॉइंट ऊपर से ये मार्केट लौटा है और कल इसने एक कंफर्मेशन दे दिया कि रिवर्सल हो गया है, बोथ नैसडेक और S&P दोनों ने करेक्शन मतलब
क्लोजिंग बेसिस पे ये कंफर्मेशन दे दिया कि ये करेक्शन पूरा हो गया है और ये अप ट्रेंड है। सितंबर वैसे जनरली कोई बहुत अच्छा महीना नहीं माना जाता, अगस्त और सितंबर थोड़े ट्रिकी मंथ हैं, बट मेरे को लगता है कि ये 4650 के आसपास इसका इस रैली का हाई बनना चाहिए, और जो टोटल इस ईयर का हाई है मैं करीब 4800 के आसपास S&P का देख रहा हूँ, और नेक्स्ट एक ईयर के अंदर मैंने पहले भी जो टारगेट दिया है कि 5500 से 5600 के बीच में S&P जो है वो पीक आउट करेगा और उसके बाद एक बड़ा करेक्शन। ये है आपके लिए S&P पर भी बड़े टारगेट्स आपके लिए आने की तैयारी में, 4650 पहले और उसके बाद 4800 तक के बड़े टारगेट। सर गोल्ड सिल्वर भी आपकी बड़ी गहरी पकड़ में, आप बड़ी ओपिनियन पर बड़ी बोल्ड रखते भी हैं, जरा एक बार व्यू दीजिए सर कि सोने में क्या हो रहा है और क्या खरीदने या बेचने का कोई मौका इस वक्त दिख रहा है इन लेवल्स पर आपको सर? देखिए गोल्ड में स्ट्रक्चर एक देखें तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा पॉजिटिव है, बट अगर हम मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म देखें तो आई एम वेरी बेयरिश ऑन दैट। तो इसमें एक कॉशन का पीरियड रखना, अभी जैसे देखें ये थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर्स ना बार बार शिफ्ट भी हो रहे हैं, पिछली बार इसने स्ट्रेंथ दिखाई थी फिर इसने 1900 की बॉटम भी तोड़ दी, तो उससे क्या हुआ है ये स्ट्रक्चर इरेगुलर जो बी वेव आई है, ये जो लास्ट वेव चल रही है इसमें बी वेव ने अपना पिछला बॉटम तोड़ने की वजह से मेरे को लगता है कि अब ये 2000 क्रॉस करना भी मुश्किल हो सकता है, जो पहले हमारा टारगेट था 2075 का, तो अब हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है और एक बार गोल्ड में हर उछाल पे अपना एक बार प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा अवॉइड करना है जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बुलिश है, उसके चक्कर में अगर हमारी पोजीशन फंस गई या हम बुलिश ही रह गए और बड़ा फॉल आ गया तो उसमें एक्चुअली रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं रहेगा, तो अभी हम बुलिश हैं बट मेरे को लगता है कि थोड़ा टाइम के बाद वी विल बुक प्रॉफिट एंड एग्जिट द पोजीशन, और जब एक बार सेल सिग्नल आएगा तब हम उसमें सेल का ही ट्रेड लेंगे, बाय का ट्रेड नहीं लेंगे। इस समय दोनों गोल्ड और सिल्वर अच्छा पॉजिटिव लग रहे हैं, तो एक्चुअली वी आर इन अ बाय पोजीशन, बट ओवरऑल हम इसमें बहुत लंबी तेजी के लिए नहीं खेल रहे। Okay, तो शॉर्ट टर्म पॉजिटिव है लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्ड में ऊपर में प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट करने की कोशिश करें, ज्यादा तेजी में न रहें, यह आपके लिए राय गोल्ड पर आती दिख रही है। सर कच्चा तेल अगर ये भी आपके ट्रैक करने के आपके इस पर है तो सर जरा सर ये भी बताएं कि इस पर क्या व्यू है? देखिए कच्चा तेल और गैस दोनों ने एक तरह से राउंडिंग बॉटम बना के एक तेजी का स्ट्रक्चर दिया है, गोल्ड ने एक्चुअली ब्रेकआउट दिया था करीब $70 के आसपास और उसके बाद ये $85 तक गया है, तो मैं नाइमेक्स क्रूड की बात कर रहा हूँ, ब्रेंट क्रूड का प्राइस थोड़ा अलग होता है, तो इसमें याद होगा लास्ट इंटरव्यू में मैंने कहा था कि ये $66 तक आया वो एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन गई है और यहाँ से एक तेजी बनती है और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया था, तो वैसे गोल्ड क्रूड एंड गैस दोनों पॉजिटिव लग रहे हैं, बट ये मतलब एक ये दोनों जो ऐसी कमोडिटी है कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर ही इसे ट्रेड कर सकते हैं, वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है, व्यवसाय काफी रहते हैं, तो इसको जरा ट्रेड करना थोड़ा सा टफ होता है, हमारे लिए भी कई बार काफी टफ हो जाता है, बट ओवरऑल ये मेरे को जो लगता है कि ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, क्योंकि जो रिसेशन की बात हो रही थी मेरे को लगता नहीं, चाइना में थोड़ा सा जरूर थोड़ी सी चिंताएं हैं बट मेरे को ओवरऑल मार्केट का कोई ऐसा रिसेशन का व्यू लगता नहीं है, तो गोल्ड और गैस जो है वो क्रूड एंड गैस दोनों पॉजिटिव रहने चाहिए, और अब जैसे विंटर आ रहे हैं अगर विंटर ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग हुए तो गैस में एक अच्छी उछाल देखी जा सकती है। आपके लिए राय गैस और ऑयल में, अब बताएं सर चूंकि आप भारतीय बाजारों पर बुलिश है, अमेरिकी बाजारों पर पॉजिटिव है, तेजी होनी है तो कहाँ होगी हमारे बाजारों में, आपको क्या पसंद है, कोई सेक्टर्स कोई स्टॉक्स बताएं सर? देखिए बैंकिंग में तो मैं हमेशा से ही पॉजिटिव हूँ और बैंकिंग में अभी काफी दम है बचा है, और देखिए अगर हमारी इकोनॉमी जैसे हम कह रहे हैं ये अगला डिकेट हमारे लिए बिलोंग करता है, इंडिया को बिलोंग करता है या अगले 50 ईयर्स इंडिया को बिलोंग करते हैं, तो क्रेडिट ग्रोथ इंडिया में होना लाजमी है, GDP अच्छा ग्रोथ करेगा और इंडिया जिस ढंग से ये हो रहा है कि अगले 3 साल में
वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और इस समय इंडिया वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन है। तो अगर इस ढंग से देखें तो बैंकिंग में तो एक बनता ही है, और इवन सीमेंट, मेटल और इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्चुअली ये तीनों एक संग ही चलते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर तेजी आती है तो स्टील और सीमेंट का काफी अच्छा उसमें खपत होती है। तो ये तीनों सेक्टर, और एक हमारा डार्क हॉर्स जो आईटी है, आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि आईटी का वर्स्ट सीन्स टू बी ओवर। अभी आउटलुक जो आप अगर देखें, गाइडेंस बहुत अच्छा नहीं है, बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ डार्क हॉर्स है, इट माइट सरप्राइज यू ऑन द अपसाइड। तो आईटी में भी एक पोजीशन अगले एक साल के हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो अच्छा फायदा। बैंक्स हमेशा से पसंद है, आईटी पसंद आता हुआ दिख रहा है, ये इंटरेस्टिंग है। मेटल्स पसंद आते हुए दिख रहे हैं जो कि थोड़े पिटे हुए हैं, यहाँ पर अच्छी खरीदारी हो सकती है। सीमेंट, स्टील, इंफ्रा जैसे सेक्टर्स भी मजबूत रह सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने समय दिया और साथ ही भारतीय बाजारों पर, निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स पर और गोल्ड पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। संजीव अग्रवाल साहब बताते हुए अपनी ओपिनियन बाजार के बारे में।